जिला मुख्यालय की समीपी ग्राम पंचायत बगौता में आयोजित मन की बात कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री एवं टीकमगढ़ सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। ग्रामीणों ने केंद्रीय मंत्री के साथ प्रधानमंत्री की मन की बात और उनके संदेश को सुना। केंद्रीय मंत्री के साथ भाजपा नेता पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह, गोविंद सिंह, लखी सिंह सहित गाँव की महिलाएं, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मन की बात कार्यक्रम का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज का 100वां कार्यक्रम था और इस 100वें कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश में बहुत बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं स्वयं बगौता पंचायत में यहाँ पर बूथ क्रमांक 203 पर, इसमें गांव वाले बड़ी संख्या में किसान भाई भी आए, नवयुवक भी आए, माताएँ आई, बहनें आई, इसमें वकील भी आए, पूर्व सैनिक संघ के हमारे साथीगण भी आए। मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के विभिन्न अंचलों के जो अनसंग हीरो हैं, अकेले स्तर पर उन्होंने इतना बड़ा काम किया है कि वो पूरे समाज के लिए अनुकरणीय बन गया। उन्होंने हिमाचल का उदाहरण दिया, हरियाणा का उदाहरण दिया, केरल का उदाहरण दिया, बंगाल का उदाहरण दिया, और इसके पूर्व में भी उन्होंने, जैसे दशरथ मांझी ने अकेले पहाड़ को खोदकर रास्ता बनाकर पूरे देश के सामने एक आदर्श उपस्थित किया था कि बगैर शासकीय संसाधनों के, बगैर सामाजिक सहयोग के, एक अकेले व्यक्ति ने, उसके मन में उसकी पत्नी के निधन हो जाने के बाद भाव आया, उसने मार्ग बनाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश के सामने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आए तो पूरे समाज में कितना सम्मान दशरथ मांझी के प्रति बढ़ा, केवल सम्मान ही नहीं बढ़ा बल्कि इससे लोगों को प्रेरणा मिली। पत्नी को उसकी मृत्यु हो गई, तब उसे पता चला कि कहीं ना कहीं ये पहाड़ जो था वो मेरी पत्नी के जीवन का रोड़ा था और उसी की वजह से वो उसका इलाज नहीं करवा पाया क्योंकि वो समय पे नहीं पहुंच पाया। तो उसने अपने, उस व्यक्ति ने अपने इच्छा शक्ति से उस पहाड़ से रास्ता बना लिया। तो ऐसी बातें जिनके ऊपर किसी की भी नज़र नहीं जाती और ऐसे लोगों को मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं और हमको बता रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारा भारत जो है विविधता का देश है और निश्चित रूप से उसमें बहुत रोचक बातें हैं, कई सारी अच्छी कहानियां हैं, तो जब उनके माध्यम से हमको पता चलता है तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों में ज्ञान की वृद्धि भी होती है। और निश्चित रूप से ऐसा प्रधानमंत्री ना हमें मिला था और ना ही आगे मिलना है जिन्होंने, मतलब, और लोग भी कहते हैं कि जो उसमें लोग आ रहे थे जिन्होंने कुछ ना कुछ अलग किया है, तो वो कह रहे थे, कहते हमको खुद नहीं पता कि मोदी जी की नज़र हमारे ऊपर कैसे पड़ गई। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है।